हमारे पास अगर पूरी बात की जाए तो एक तो हमारे पास आएंगे नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन का फॉर्मेट सिंपल है, दो या तीन प्रोसेस देगा एग्जामिनर, एक प्रोसेस का फाइनल आउटपुट, दूसरे प्रोसेस का इनपुट, फिर दूसरे का, उसके अंदर नॉर्मल लॉस का केस आएगा, एबनॉर्मल लॉस और गेन का केस आएगा। तो आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने आनी चाहिए, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट बनाना आना चाहिए। इसके बाद में दूसरा हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेस के स्टॉक से रिलेटेड, वो सिंपल है, या प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने वाले, वो सिंपल है। फिर हमारे पास आ जाते हैं WIP वाले क्वेश्चन। WIP वाले क्वेश्चन दो तरीके के हैं, एक को ओपनिंग WIP के बिना और एक ओपनिंग WIP के साथ। इसके बाद में तीसरा है हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। बस यही सारी चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल है, इसमें कोई बताने वाली खास चीज़ नहीं है। सीधे क्वेश्चन उठाकर एक बार देखते हैं क्या क्या होता था। अगर नॉर्मल प्रोसेस के क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रोसेस का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनता था। एक आपके पास हो जाता था यूनिट्स का कॉलम और एक हो जाता था आपके पास अमाउंट का कॉलम, यूनिट्स अमाउंट पर्टिकुलर्स। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप पहले प्रोसेस हो तो मटेरियल लेबर ओवरहेड जो आना है, अगर आप प्रोसेस पहले की जगह कुछ और हो तो पिछले प्रोसेस से समान आया होगा, कुछ यूनिट्स कुछ छुपी, फिर आप एक्सपेंसेस लिख लेंगे, उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड आ जाएगा। मटेरियल के आगे यूनिट भी आएगी, अमाउंट भी, लेबर ओवरहेड में बस अमाउंट आएगी। इसके बाद में आप बाई नॉर्मल लॉस में नॉर्मल लॉस ले जा सकते हो, अगर नुकसान इससे ज़्यादा हो गया तो बाई एबनॉर्मल लॉस, और अगर नुकसान इससे कम हुआ तो टू एबनॉर्मल गेन। ये यूनिट के साथ आएगा। इसके बाद में जो सामान बना वो अगर ये फाइनल प्रोसेस है तो फिनिश गुड्स, और अगर ये फाइनल प्रोसेस नहीं है तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगर ये ऐसा है जिसमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है तो कुछ यूनिट अगली प्रोसेस में ट्रांसफर होंगी और कुछ यूनिट कॉस्टिंग PL में बेचने के लिए ट्रांसफर हो सकती है। यही सारे बस केसेज हैं नॉर्मल प्रोसेस के, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। नॉर्मल लॉस अकाउंट की बात करें तो नॉर्मल लॉस अकाउंट जितनी भी प्रोसेस होंगी उन सारी प्रोसेस से 1, 2, 3 सबकी यूनिट और रुपीज ले आएगा, बाई साइड में कैश में उसे बेचेगा 1, 2, 3। एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन में जो प्रोसेस होगी उसमें लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा हुआ होगा, मान लीजिए 100 यूनिट थी, तो इसका मतलब प्रोसेस वन में अगर 120 यूनिट लॉस हुई है तो 20 यहाँ आ जाएंगे, तो 100 तो ऊपर रहेंगे नॉर्मल में, एक्स्ट्रा वाली यहाँ पर आ जाएंगी, उनकी वैल्यू आ जाएगी जो नुकसान में दिखाई जा रही होगी, वो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से आपने निकाल ली होगी NCPU से। उसके बाद में उसकी सेल यहाँ पर कर देंगे, जितना कैश मिल जाएगा मिल जाएगा, बाकी बन जाएगा बाई कॉस्टिंग P&L। इसके बाद में एबनॉर्मल गेन की अगर बात करें हम लोग तो गेन के अंदर आपके पास बाई साइड में गेन आ जाएगा। जैसे मान लो प्रोसेस 3 में गेन हो गया तो प्रोसेस 3 में 200 यूनिट लॉस होनी थी और 2000 के हिसाब से, लेकिन वो 200 यूनिट में से सिर्फ 150 यूनिट लॉस हुई तो 50 यूनिट का गेन हो गया, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके गेन होने की वजह से प्रोसेस 3 की सिर्फ 150 यूनिट ही आप बेच पाओगे, क्योंकि नुकसान ही 150 का हुआ है तो स्क्रैप 150 का बिकेगा। वो 150 यूनिट आपने 1500 के हिसाब से बेच दी, और जो नहीं बेच पाए वो किसकी वजह से नहीं बेच पाए, एबनॉर्मल गेन की वजह से, तो बची हुई 50 यूनिट 500 रुपये की यहाँ पर आ जाएंगी। जब आप प्रोसेस 3 में अपना फ़ायदा लिखोगे तो साथ के साथ लिखोगे इस फायदे के चलते आपको जो नॉर्मल लॉस में 200 यूनिट बेचनी थी वो 150 बेच पाए और 50 यूनिट आप नहीं बेच पाए, तो आपका जितना भी बेनिफिट है उसको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिड्यूस कर देगी, बचा हुआ आपका कॉस्टिंग PLA में चला जाएगा। यही हमारे पास प्रोफॉर्मा है, सिंपल है बहुत ज़्यादा, बस ये कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, आता जरूरी है, आता ही आता है। तो एक तो नॉर्मल वाला पैटर्न है इसका, उसके बाद में मेन आ जाता है ओपनिंग WIP वाला। अगर क्वेश्चन के अंदर WIP नहीं है, ओपनिंग WIP नहीं है, तो आप यहां पर मटेरियल लेबर ओवरहेड रखिए, यहां पर नॉर्मल लॉस जो भी निकालना है वो रखिए, एबनॉर्मल लॉस है तो वो रखिए, क्लोजिंग WIP जितना है वो रखिए, और फिनिश गुड्स जितना है वो रखिए। इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन,
वो डिपेंड करेगा कि कितनी परसेंटेज है किसकी। जैसे मान लीजिए मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों की परसेंटेज अलग अलग है तो तीनों का कॉलम अलग अलग। अगर लेबर ओवरहेड की एक जैसी है तो एक मटेरियल का एक लेबर ओवरहेड का। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि मटेरियल की अलग है, लेबर ओवरहेड की अलग है। जनरली क्वेश्चन भी ऐसे ही है, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, यूनिट्स पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर आपके पास एक एक करके आ जाएगा। नॉर्मल लॉस को तो जीरो मानना है, एबनॉर्मल लॉस मान लो 100 यूनिट है, जो भी अपने मन से लिख रहे हैं हम लोग परफॉर्मेंस समझ रहे हैं, 100 यूनिट है तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 100% मानिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, उसने कह दिया 80% मटेरियल 60% लेबर ओवरहेड, तो 80% मटेरियल 60% ले लीजिए। या तो क्वेश्चन खुद परसेंटेज बताए, नहीं बताएगा तो क्या मानेंगे 100% और परसेंटेज गिवन बाय द क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन ने परसेंटेज दे दी तो वही मानी जाएगी, और क्वेश्चन ने परसेंटेज नहीं दी तो 100 मान लेंगे। फिनिश गुड्स हमेशा ही 100% होगा, वो कंप्लीटेड माना जाएगा। क्लोजिंग WIP की परसेंटेज हमेशा ही देनी पड़ेगी, तो जो परसेंटेज दी जाएगी वो ऐसा रहे। अगर कभी एबनॉर्मल लॉस नहीं बल्कि गेन हो, तो जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लें उसके बाद में, क्योंकि ये सब बाई साइड के आइटम थे और गेन टू साइड का आइटम है, तो आपको क्या करना होगा, अगर गेन है तो उसे लेस कर देंगे, तो एबनॉर्मल गेन होगा तो उसे लेस कर देंगे और मानेंगे हमेशा कितना 100%। गेन का मतलब ये है कि पूरा बनकर तैयार हो चुका है, ये इक्विवेलेंट यूनिट आपके पास आ जाएंगे। इन इक्विवेलेंट यूनिट का काम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आपको क्या करना होगा, एलिमेंट्स लीजिए, जो भी एलिमेंट्स हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट लिखिए। ध्यान रखिए कि मटेरियल की जितनी भी कीमत है उसमें नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस करना है, उसके बाद में लेबर की कॉस्ट ओवरहेड की कॉस्ट, जितनी इक्विवेलेंट यूनिट आपने निकाली है उन यूनिट से डिवाइड करते चले जाइए, मटेरियल की यहाँ, लेबर और ओवरहेड की यहाँ पर, कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट जब आपके पास आ जाएगी तो आपको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन या अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर एबनॉर्मल लॉस और गेन ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, अगर एबनॉर्मल लॉस या गेन है तो इवेल्युएशन नाम हो जाएगा, वो कंसेप्ट के रजिस्टर में लिखा हुआ है आपके पास, अब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वो चीज़। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ आइटम्स रखेंगे हम कि किसकी बात की जा रही है, उसके बराबर में हम रखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसके बाद में हम रखेंगे उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हैं, फिर रखेंगे कॉस्ट पर यूनिट कितना है, और उसके बाद में हमारे पास आएगी वैल्यूएशन। नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यूएशन नहीं होती, फिनिश गुड्स कौन सा एलिमेंट, सारी एलिमेंट कितनी यूनिट, सारी की सारी 100%, कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड सारे के सारे जोड़कर वैल्यूएशन आ जाएगी। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, अगर गेन है तो ऑल यूनिट्स होंगी, लॉस है तो 100% अगर हुआ था तो ऑल यूनिट्स, और अगर 100% नहीं है तो मटेरियल की जितनी यूनिट, लेबर ओवरहेड की जितनी यूनिट, मटेरियल अलग हो जाएगा, लेबर है ओवरहेड अलग हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग WIP की ऑब्वियस सी बात है, उसकी सारी यूनिट एक बराबर होना मुश्किल है, कई बार सारी भी एक बराबर हो सकती हैं। जैसे कहते हैं क्लोजिंग WIP 50% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड सबकी यूनिट 50% से आ जाएंगी, तो यहाँ पर अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करिए और रेट लगाइए, वैल्यू निकालिए, अब इन तीनों वैल्यू को उठाकर ऊपर प्रोसेस में रख दीजिए, खत्म। फिर कंसेप्ट आता है ओपनिंग WIP वाला। ओपनिंग WIP के केस में, ओपनिंग WIP के केस में आपके पास या तो फीफो लगाना है या फिर वेटेड एवरेज, दो ही मेथड बोले हैं स्टडी मैट ने, लीफो भी हो सकता है लेकिन सिर्फ दो ही मेथड बोले हैं, यही सिखाए जा सकते हैं। अगर फीफो मेथड है, सेम कंसेप्ट, सेम कैलकुलेशन सब कुछ, पहले प्रोसेस अकाउंट बनाइए। अब कौन सा कंसेप्ट है कि यहां ओपनिंग WIP भी लिखा हुआ होगा, अगर ओपनिंग WIP है तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि फीफो है या वेटेड एवरेज है। अगर फीफो है तो आपको यह मानना होगा कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे कि जो ओपनिंग यूनिट्स थी
उन ओपनिंग यूनिट से क्या बन गया आपका फिनिश गुड्स, यही फीफो है कि हम ओपनिंग यूनिट से क्या बनाएंगे फिनिश गुड्स बनाएंगे। ओके देखिएगा, थैंक यू। हाँ जी यही है कि ओपनिंग यूनिट से फिनिश गुड्स बनाएंगे। मान लीजिए ओपनिंग यूनिट से उनसे फिनिश गुड्स बना दिया, मान लो ओपनिंग यूनिट से 2000 तो उसे फिनिश गुड्स बना दो, उसके बाद में फिर करंट यूनिट का इस्तेमाल चालू किया जाएगा, करंट यूनिट से भी फिनिश गुड्स बनेगा जितना बचा रह जाएगा। मान लो फिनिश गुड्स बना है 5000 यूनिट, तो पहले 2000 ओपनिंग के इस्तेमाल करो, नहीं बन पाए तो अब 3000 करंट के इस्तेमाल करो। इसी में से नॉर्मल लॉस आएगा, इसी में से एबनॉर्मल लॉस आएगा, इसी में से क्लोजिंग WIP आएगा, यानी ओपनिंग सिर्फ किसके काम में आएगा फिनिश गुड्स बनाने के। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स 2000, 1000 एबनॉर्मल और क्लोजिंग ले लिया 2000, ऐसे कुछ है। यहां जो करंट से बनेगा वो 100% होगा, ओपनिंग यूनिट से जो आप फिनिश गुड्स बनाएंगे तो उसके ऊपर काम आप इस बार 100% नहीं कर रहे होंगे। तो मान लो ओपनिंग यूनिट पर 80% मटेरियल लग चुका है तो यहां सिर्फ कितना लगा होगा 20। अगर ओपनिंग यूनिट पर लेबर ओवरहेड 60% काम कर चुके हैं तो यहां कितना काम करेंगे 40। तो जो इस बार काम हुआ है सिर्फ वही लिखा जाएगा फीफो। इसके बाद में नॉर्मल लॉस वैल्यूड नहीं करना, एबनॉर्मल लॉस जितना बताए, क्लोजिंग WIP जितना बताए। फिर आएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐसे ही रहेगा, सब कुछ माइनस ऐसे ही होगा, लेकिन ये जो कॉस्ट होगी ये एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP होगी। ओपनिंग WIP की कॉस्ट को नहीं लेंगे, ओपनिंग WIP की कॉस्ट को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर जब स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूएशन बनाएंगे तो अब स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूएशन के अंदर दो पार्ट टूटेंगे फिनिश गुड्स के, एक करंट ईयर वर्क, तो करंट ईयर वर्क में कितना मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड लगाया वो उठाया जाएगा, कितना लगाया होगा वो कैसे मिलेगा वो ये जो फिनिश गुड्स है इसके ऊपर आएगा। जैसे 2000 पर 20% मटेरियल 400, 3000 पर 100% 3000, तो मटेरियल पर 3400 काम हो गया, लेबर पर 800 और 3800, तो मटेरियल 34 पर, लेबर ओवरहेड 38 पर, और मैंने कहा था कि 5000 यूनिट बना रहे हैं, तो बाकी काम कहाँ गया, बाकी काम ओपनिंग यूनिट्स पर, ओपनिंग WIP पर पिछले साल ही हो चुका है। तो पहले करंट ईयर का काम लिखा जाएगा, वैल्यूएशन की जाएगी, फिर इसमें ऐड कर दी जाएगी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, क्योंकि हमें पता है ओपनिंग WIP से सिर्फ फिनिश गुड्स बनाए, तो फीफो के अंदर ओपनिंग से क्या बना था फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग की कीमत, ओपनिंग के अंदर कौन सी कीमत है, ओपनिंग की कीमत है बेसिकली पिछले साल की कीमत, तो ओपनिंग के अंदर जो भी कीमत जुड़ी हुई है सीधे फिनिश गुड्स में जोड़ेंगे। इसीलिए हमने यहां स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट के अंदर सारी कॉस्ट ली है एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, तो सीधे फिनिश गुड्स के अंदर इसको जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारे का सारा जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। अगर आप इसकी जगह पर आते हैं वेटेड एवरेज मेथड पर, तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर सेम यही क्वेश्चन होगा, जब आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे तो आप फिनिश गुड्स को ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितना ओपनिंग से कितना क्लोजिंग से। वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि मिक्स होके बनाए, ओपनिंग से भी बनाए और करंट से ही बनाए, यानी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग WIP फिनिश गुड्स सब में ओपनिंग यूनिट्स भी हैं और क्लोजिंग, तो बांट नहीं सकते हो आप उसको। तो इसके लिए कहा गया कि आप सीधे क्या उठाएंगे, सीधे आप ये उठाएंगे कि कितना फिनिश गुड्स बना जी 2000, कितना नॉर्मल लॉस, कितना एबनॉर्मल लॉस, कितना क्लोजिंग WIP, ये मत सोचिए किससे बना, और फिनिश गुड्स सॉरी 5000 फिनिश गुड्स 5000, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि किससे बना, आप सीधे ये सोचेंगे कितना बना, जितना बना लिख देंगे, इसमें ये नहीं सोचेंगे ओपनिंग यूनिट इन्वॉल्व है या नहीं है। फिर जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हुए आप जो पहले ले रहे थे एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ WIP वो नहीं होगा, इसके अंदर अब WIP की कॉस्ट भी जोड़ी जाएगी, क्योंकि क्या इस बार WIP से सिर्फ फिनिश गुड्स बनाए या सारे बने हैं, वेटेड एवरेज में तो सारे बने हैं, तो यहाँ जो कॉस्ट ली जाएगी, अब यहाँ कॉस्ट ली जाएगी कॉस्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP। अब आप क्या करेंगे, मटेरियल के अंदर करंट पीरियड का मटेरियल, करंट पीरियड का मटेरियल प्लस
ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का मेटेरियल, लेबर के अंदर करंट पीरियड में कितनी लेबर लगाई प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी में कितनी लेबर लगी हुई थी, और ओवरहेड में करंट पीरियड में कितनी लगी और ओपनिंग डब्ल्यू आई पी में कितने ओवरहेड लगे हुए थे, उसे जोड़कर यूनिट से डिवाइड करेंगे। अब जब आप वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन में ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को अलग से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जुड़कर सारी चीजों पर यूनिट की फॉर्म में बट चुका होगा। यही कंसेप्ट है। इसके बाद में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में अगर हम जाकर देखें तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट जोड़कर सामान भेजेंगे। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का जो प्रोफॉर्मा है वो इस तरीके से है, तीन लाइनें खींचेंगी, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। आप चाहें तो टोटल और उसका क्लासिफिकेशन टोटल कॉस्ट प्रॉफिट कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं। तो स्टडी मैट में वैसे लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट और कॉस्ट, ऐसे बांट रखें तो कैसे भी आगे पीछे बांट सकते हैं। आप लोग देख ही चुके हैं आप लोग स्टडी मटेरियल पूरा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे पहली प्रोसेस जो होगी उसमें ओपनिंग, पहली चीज तो ये कि ओपनिंग फिनिश गुड्स है या नहीं है। अगर ओपनिंग है तो ले लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जनरली ओपनिंग होता नहीं है, हो तो ले लीजिए। तो इसका जो ओपनिंग होगा उसकी कॉस्ट होगी वही टोटल, प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि ये किसी से सामान परचेज नहीं करता। उसके बाद इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी लगाना है वो लगा दीजिए। जितने भी स्टडी मैट वाले क्वेश्चन थे आपको ध्यान होगा उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट किया था प्राइम कॉस्ट पर, तो इसीलिए मटेरियल लेबर आपने खर्च किए, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद में यहां पर आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में आपके पास उस प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर क्लोजिंग स्टॉक को आप वैल्यूएट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट करेंगे उसके अंदर भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद में उसमें ऐड करेंगे ओवरहेड। तो पहले ओपनिंग लीजिए, मटेरियल लीजिए, लेबर लीजिए, प्राइम कॉस्ट निकालिए, प्राइम कॉस्ट के बाद में उसके में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, फिर ओवरहेड आएगा क्योंकि वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट है, इसीलिए मैं फिनिश गुड्स को प्राइम कॉस्ट के साथ लिंक कर रहा हूँ। अगर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट ना होता तो सच्चाई यह है ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड दोनों ही ओवरहेड के बाद आने चाहिए थे, पर इन्होंने कह दिया प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूड है। तो प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूड यानी प्राइम कॉस्ट जब खत्म तो ओपनिंग स्टॉक खत्म और क्लोजिंग को वैल्यूड करके खत्म कर दो। अगर ये फैक्ट्री कॉस्ट पर होता तो हम लोग पहले मटेरियल लेते, लेबर लेते, प्राइम कॉस्ट निकालते, फिर ओवरहेड जोड़ते, फैक्ट्री कॉस्ट निकालते, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एड लेस करते। आप लोग चाहें तो इस वाले ओपनिंग को प्राइम कॉस्ट के नीचे भी लाकर लिख सकते हैं, एड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। स्टडी मैट में ओपनिंग को ऊपर ही जोड़ रखा है तो हमने भी जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में ओवरहेड आने के बाद में आपको इसका टोटल करना होगा कि कितना हुआ, यही आपकी टोटल कॉस्ट है, अभी तक प्रॉफिट कहीं नहीं जोड़ा। इसके बाद में आप इसके अंदर जोड़ेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट वाले कॉलम में आएगा और टोटल वाले कॉलम में आएगा, उसमें कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं। फिर आप इसका टोटल करेंगे, यही टोटल बनेगा कितने रुपए में आपने दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर किया है, वो स्टॉक यहां पहुंच जाएगा। अब जब आप सेकेंड प्रोसेस से पहुंचेंगे तो उसके अंदर अब जरा देखिए क्या होगा, उसके अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स तो आ ही रहा होगा, साथ में दूसरी प्रोसेस से ट्रांसफर होकर भी आएगा जो आपने भेजा है अभी। तो ये वाला जो आपने भेजा ये दूसरी प्रोसेस में आ गया, इस प्रोसेस के अंदर पहुंच गया, ओपनिंग फिनिश गुड्स आ गया। अब इसके अंदर सीन देखिए क्या बदलने वाला है, जो आपने उसे भेजा होगा वो कैसे भेजा था, प्रॉफिट जोड़कर। आप तो प्रॉफिट जोड़कर भेजते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है ये कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट जोड़कर भेज दीजिए। उसके बाद में आप उसके पास जो ओपनिंग स्टॉक होगा उस स्टॉक के अंदर भी पिछले साल आपने भेजा होगा उसको वो सामान होगा, तो उसके ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। वो प्रॉफिट क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इतना है। फिर आप मटेरियल लेंगे, लेबर लेंगे, प्राइम कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ओवरहेड, प्रॉफिट जोड़ेंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो पहले और दूसरे प्रोसेस में फर्क पड़ेगा, पहले प्रोसेस के ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं होता और पहले प्रोसेस पे किससे सामान नहीं आता, सेकंड प्रोसेस में एक प्रोसेस से दूसरे में जाएगा और उसके ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद में लास्ट में फिनिश स्टॉक अकाउंट आएगा। तो फिनिश स्टॉक अकाउंट और भी सिंपल है,
फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर जो लास्ट वाली प्रोसेस होगी उससे समान आएगा। उसके पास कुछ ओपनिंग फिनिश गुड्स पहले से होगा, जितना बचा उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और जितना भी बचा दैट इज COGS। प्रॉफिट होगा बैलेंसिंग फिगर, क्वेश्चन आपको बताएगा सिर्फ सेल्स, सेल करिए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से पूरी पूरी प्रोसेस कॉस्टिंग डिजाइन है। देखो कंसेप्ट तो बहुत कम है, लेकिन ये कि उसके न्यूमेरिकल करते हुए अटक जाता है बच्चा, क्योंकि M1 को क्या माने, M2 को क्या माने, तो चैप्टर बड़ा है उस पर आपको पूरा ध्यान देना ही पड़ेगा। एक बार इसके PYQ में हर तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं जितने हमने डिस्कस करे। सबसे पहले जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का था उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ने तीन प्रोसेस और एक फिनिश स्टॉक अकाउंट बना लिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आउटपुट ऑफ एक्स है पहली, वाई है दूसरी, जेड है तीसरी, एक्स वाई जेड तीनों के आगे एम लगा दिया है। तो जो एक्स प्रोसेस है वो एम इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कॉस्ट प्लस 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है, ट्रांसफर प्राइस एक तरीके से 20% ऑन सेल प्राइस हो गया। तो ट्रांसफर प्राइस पर अगर 20 है, सेल पर 20 है, तो कॉस्ट पर 16.6 बार। आप ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो फिर डिवाइड बाई 80 × 20 करके भी कर सकते हो। इसके बाद में जो जेड का है वो ट्रांसफर होता है 25% ऑन सेल, 25% ऑन सेल है तो, अरे मैंने गलत बोल दिया पिछले में, 20% ऑन सेल है तो 25% ऑन कॉस्ट है, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने। अच्छा दूसरे वाले में जेड ने अगर 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस कराए तो कॉस्ट पे 33.3 बार परसेंट हो गया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, पहली प्रोसेस उठा दी। अब जरा देखिए पहली प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के अंदर की जो बात है देखने वाली बात यह है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं है। पहली प्रोसेस किसी से लेती नहीं तो प्रॉफिट उसके अंदर आएगा कहाँ से। इसके बाद में अब जरा देखिए ये बन गया कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का कॉलम ब्लैंक चलता रहेगा, मटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक जो बचा उसमें ओवरहेड जोड़े टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में कितना जोड़ दो, सेल पर 20 था तो 25% जोड़ दो, ये आ गया प्रॉफिट वाले कॉलम में, ये ट्रांसफर कर दिया दूसरे में, लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं होगा। अजय देखिए दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये सारा का सारा गया और बताइए प्रॉफिट वाले कॉलम में भी आपको ये नजर आएगा, इसका जो ट्रांसफर हुआ है वो यहां आ गया। तो ये देखिए आपको प्रॉफिट वाले कॉलम में भी नजर आ रही है चीज। ऐसे ही जो दूसरी प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा उस ओपनिंग स्टॉक के अंदर पिछले साल प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। तो 54,000 में बता दी थी स्टॉक है लेकिन 8,000 उसमें प्रॉफिट है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट सिर्फ 46 थी। तो अब हमें यहां पर खुद ये चीज लिखनी होगी कि उसकी कॉस्ट 46 है, 8,000 का प्रॉफिट है और 54,000 उसका प्राइस है। उसके बाद में पूरा सब कुछ सेम वैसे ही, मटेरियल जोड़िए, लेबर जोड़िए, प्राइम कॉस्ट जोड़िए, क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, ओवरहेड दीजिए, प्रॉफिट जोड़िए और ट्रांसफर कर दीजिए। यही कार्यक्रम लास्ट प्रोसेस तक चलता रहेगा। फिर हम कौन से अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, फिनिश स्टॉक पर। फिनिश स्टॉक में कोई मटेरियल लेबर नहीं होता, ये गोडाउन है। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक जो होगा उसे चेक करिए, उसमें जो प्रॉफिट है उसको चेक करिए, 40,000 तो ले लीजिए। ये देखिएगा प्रोसेस जेड का है, यानी जेड जेड से इतने रुपये ट्रांसफर हुए, ये पहुंच गए होंगे फिनिश गुड्स में, ये आ गए जी जेड से ट्रांसफर होकर आ गए। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 90,000 में 40,000 रुपये प्रॉफिट बता रहा था, 90,000 में 40,000 रुपये प्रॉफिट बोल रहा था, तो 50,000 उसकी कीमत हो गई। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,00,000, तो 1,00,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिए जी इतना है। अब जो बचा सेल क्वेश्चन खुद बताएगा आपको, तो क्वेश्चन सबसे लास्ट में कहानी बता देगा कि हमने जो पूरा सामान है वो कितने बेच दिया, 28,00,000 में। सेल लिखिए, काम खत्म, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का काम खत्म, सिंपल अकाउंटिंग है। ओपनिंग WIP जिसमें ना हो ऐसा क्वेश्चन PYQ 21, तो कौन से टाइम का ये 15 का, हाँ जी। इसके अंदर क्या चीज है, ओपनिंग WIP नहीं है, यूनिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन, प्रोसेस वन से 55,000 यूनिट आई है इतने की, तो ये सेकंड प्रोसेस है मतलब कि एक्सपेंसिव जो इसने करे हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड लिख दिए इतने इतने, यूनिट हमने कितनी भेजी है थर्ड को 51,000, क्लोजिंग WIP हमारा कितना है 2,000, ओके। क्लोजिंग WIP की परसेंटेज बता दी, मटेरियल 80, लेबर ओवरहेड 60 और 60। अच्छा जो यूनिट पहली प्रोसेस से ट्रांसफर होकर आई होंगी, क्योंकि हम पहली प्रोसेस नहीं, अदर देन फर्स्ट प्रोसेस है, अदर देन फर्स्ट प्रोसेस का क्या कंसेप्ट है, जो पिछली प्रोसेस से ट्रांसफर होकर आया होगा वो मटेरियल 100% लिया जाएगा,
क्योंकि वो जब तक पूरा नहीं बनेगा तब तक आएगा नहीं, ठीक है। तो पिछली प्रोसेस से जो आया 100%, बताइए ये कौन से वाले मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो हमने अपने आप खरीदा है सेकंड प्रोसेस में, वो कुछ ही हो सकता है 0 से 100 तक। तो पुरानी प्रोसेस से आने वाला 100%, तो इसके अंदर दो मटेरियल हो गए, एक M1 और एक M2, ठीक है जी। अब इसके बाद में नॉर्मल लॉस कितना है जी, 4% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस, तो 4% ये लिया जाएगा, उससे ज़्यादा हुआ तो एबनॉर्मल लॉस और उससे कम हुआ तो एबनॉर्मल गेन। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस अकाउंट बनाना चाहिए था, इन्होंने मांगा नहीं था तो हमने इसके आंसर में बनाया भी नहीं है। इसने तीन चीज़ें मांगी है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और दूसरा WIP यूनिट। तो इसका प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं हम एंड टू एंड। पहले कहाँ जगह, यहाँ बना लेते हैं, ये आ गया जी इसका प्रोसेस अकाउंट। टू प्रोसेस वन कितना है भैया, 55,000 यूनिट, 327,800। ओपनिंग WIP नहीं है तो ध्यान रखिए, ना FIFO, ना वेटेड एवरेज, ना LIFO, कोई कंसेप्ट ही नहीं। हमने कितना मटेरियल लगा दिया, 157,200, लेबर 104,000, ओवरहेड 52,000, टोटल जो भी हो रहा हो टोटल। नॉर्मल लॉस 4% ऑफ इनपुट, 55,000 का 4% 2,200, कितने रुपए में बेच रहे हो, 5 रुपये में, 11,000 में बिक गया बाई। नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में भेज रहा है, थर्ड प्रोसेस में 51,000 यूनिट भेज दी, ओके जी। क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP में 2,000 यूनिट है, जरा टोटल करना, यूनिट मैच हो गई क्या, इधर 55 थी, इधर हो गई 55,200, तो एबनॉर्मल गेन हो गया, कितनी यूनिट का, 200 यूनिट का, ठीक है जी। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेसिकली, तो इस चैप्टर में इसने तो क्वेश्चन मांगा नहीं, वर्किंग नोट में बना सकते हो आप प्रोसेस, क्या बिना बनाए भी निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो प्रोसेस अगर रफ में बना लो तो भी बेटर है, वर्किंग नोट में। अगर प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाओगे तो बच्चा गलती कर सकता है। अब यहाँ यूनिट मुझे सोचनी पड़ रही, सारी टैली होगी अपने आप, आ जाइए जी। तो ध्यान रखना है कि ये कौन सा क्वेश्चन था जिसमें ओपनिंग WIP नहीं है, तो सीधे सीधे लिखना, नॉर्मल लॉस डैश 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 डैश, यूनिट ट्रांसफर टू थर्ड 100%, यूनिट्स इन WIP जितना बताया है, उसने बता रखा है कि मटेरियल का 80, लेबर ओवरहेड का 60, तो मटेरियल 80 हो गया, लेबर ओवरहेड 60 हो गए, और पिछली प्रोसेस से जो आया था वो तो हमेशा 100% निकल आया। इसके बाद में मटेरियल वन जो पिछली प्रोसेस से आया था उसकी कीमत माइनस स्क्रैप, मटेरियल टू मटेरियल लेबर ओवरहेड सारे जोड़े, डिवाइड करा, यूनिट का रेट निकाला, वैल्यूड करा और काम खत्म। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन को क्या करना था, माइनस, वो माइनस कर दिया, सिंपल है बहुत। इसके बाद में अगर ओपनिंग हो तो क्या करना है, ये रहा जी ओपनिंग WIP, ओपनिंग है तो या तो FIFO लगाओ या तो वेटेड एवरेज लगाओ, तो जी ये आ गया। FIFO या वेटेड एवरेज लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस वाली कीमत का क्लासिफिकेशन दिया है या नहीं दिया, तो जी ओपनिंग यूनिट्स आ गई, ओके इतना इनपुट आ गया, लेबर ओवरहेड कितनी यूनिट स्क्रैप हुई, बना लिया। ये वाला क्वेश्चन वेटेड एवरेज से नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों अलग अलग चाहिए ओपनिंग के, अगर ओपनिंग की कॉस्ट का क्लासिफिकेशन नहीं है तो नहीं हो पाएगा। रीजन वेटेड एवरेज में हमें क्या करना था, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल को मटेरियल में, लेबर को लेबर में, ओवरहेड को ओवरहेड में जोड़ना था, तो FIFO से होगा ये इन्होंने कह भी दिया, हमेशा बोल ही देते हैं जो मेथड लगाना होता है। तो अब कैसे होगा, अब ये होगा जी कितनी यूनिट बनी है, तो जितनी भी यूनिट बनी है पहले उसका हिसाब लगाओ, सबसे पहले किसको इस्तेमाल करो, ओपनिंग को, उसके बाद में करंट को, फिर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सब निकालते रहो। ओपनिंग के अंदर ध्यान रखना है भैया ओपनिंग यूनिट पर कितना काम हो चुका है, मटेरियल पर 100, लेबर पर 60, तो अब इन 8,000 पर मटेरियल 100 लग चुका है तो इस बार कुछ नहीं लगेगा, और 60 लग चुका है लेबर ओवरहेड तो 40। इसके अलावा जब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन करेंगे तो करंट पीरियड वर्क निकालेंगे और ओपनिंग WIP की कीमत को सीधे उठाकर जोड़ देंगे, खत्म। वेटेड एवरेज वाले में क्या होता है, वेटेड एवरेज का निकालते हैं कोई PYQ बनी है शायद वेटेड एवरेज का, तो वेटेड एवरेज, एवरेज कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ध्यान रखना होता है
कि ओपनिंग WIP की कॉस्ट को करंट पीरियड की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। तो ओपनिंग WIP की कॉस्ट को करंट पीरियड की कॉस्ट में जोड़िए। यहां बताइए, फिनिश्ड गुड्स के अंदर कुछ और जोड़ा जाएगा क्या पिछले साल का? नहीं, इसके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में जितना मटेरियल में मटेरियल, लेबर में लेबर, ओवरहेड में ओवरहेड जोड़ दिया गया होगा। काम खत्म, इतना ही है प्रोसेस। इसके अंदर और कोई टेक्निकल पॉइंट तो है नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो क्वेश्चन आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा, आएगा ही आएगा 10-12 नंबर का, और इससे ज़्यादा तो अब अगर कुछ करूँगा तो चैप्टर ही चालू हो जाएगा, फिर 10 क्लास लगेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है अभी। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, और नॉर्मल चैप्टर है, आएगा तो है ही, 15 के 15 चैप्टर आने हैं एग्जाम में, हर चैप्टर आएगा, हर चैप्टर का हर एक कंसेप्ट आएगा, सारे कंसेप्ट करने हैं, सारे चैप्टर करने हैं, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। 15 चैप्टर, 8 नंबर, 120, और पेपर भी कितने का है? 120, बिल्कुल सीधा हिसाब है। अब तो नए कोर्स में कोई भी चैप्टर छोड़ के जाने का इसको नहीं है। तो खैर, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल सा है, ये सिर्फ ये कहता है कि हमने कुछ ज्वाइंट कॉस्ट खर्च करी होगी जिससे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकले होंगे एक्स वाई, इन दोनों प्रोडक्ट को यहीं बेच दूं तो उसे बोलेंगे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, या फिर सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद में आप इनको चाहो तो फर्दर प्रोसेस कर भी सकते हो, और चाहो तो फर्दर प्रोसेस ना करो। फर्दर प्रोसेस करके अगर बेचोगे तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इस चैप्टर के अंदर बस हमें ये काम करना होता है, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है ये कैसे बांटी जाए। तो जो हमारे पास मेथड थे, सबसे पहला मेथड, अगर मेथड्स की बात की जाए, मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट, बताइए फिजिकल यूनिट में क्या किया जाएगा? हाँ जी, फिजिकल यूनिट मेथड में क्या किया जाएगा? फिजिकल यूनिट मेथड में जैसे एक्स और वाई है, ज्वाइंट कॉस्ट में मान लेता हूँ ज्वाइंट कॉस्ट है 1,00,000 रुपये, तो बस आप ये पता करो कितने कितने किलोग्राम लीटर मीटर कितना ये बनाए। तो जैसे मान लो 2,000 और 8,000 है, तो बस इसी रेशो में बांट दो, फिजिकल यूनिट के रेशो में, तो 2:8 बट जाएगा 20,000 रुपये, और 80,000 रुपये दोनों में बट के ख़त्म हो जाएगा। दूसरा था एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, सच्चाई ये फिजिकल यूनिट और एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड या एवरेज मेथड दोनों एक ही हैं, लेकिन स्टडी मेट में दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। तो एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड को अगर मैं बताऊं तो वो क्या करेगा, सेम चीज को, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड वो सेम चीज को कहेगा टोटल कॉस्ट कितनी है 1,00,000, टोटल यूनिट कितनी है 10,000, तो 1 यूनिट 10 रुपये की। एक्स बताइए 2,000 यूनिट, 10 रुपये से 20,000, वाई 8,000 यूनिट, 10 रुपये से 80,000, तो बात तो दोनों की सेम है, दोनों सेम है, लेकिन पता नहीं क्यों दो नाम से लिख रखा है, कोई सेंस नहीं बनता। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड आएगा तो आपको पहले पर यूनिट निकाल के बताना पड़ेगा, आप रेशो में नहीं बांट सकते। इसके बाद में हमारे पास सेल्स वैल्यू या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सॉरी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एनआरवी मेथड, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ग्रॉस कॉन्स्टेंट मार्जिन मेथड, और सारी इंफॉर्मेशन दे दे तो रिवर्स कॉस्ट मेथड, सारी इंफॉर्मेशन दे दे तो रिवर्स कॉस्ट मेथड, और एक हम लोगों ने अपने पास से करा था सर्वे मेथड या पॉइंट वैल्यू मेथड, क्योंकि वो स्टडी मेट में नहीं है तो उसे मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा। मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बड़ा सिंपल है, एक्स और वाई की मार्केट वैल्यू पता करो, तो जी इसकी 2000 यूनिट 100 रुपये से 2,00,000 में बिक रही है, और इसकी 8000 यूनिट 50 रुपये से 4,00,000 में बिक रही है, तो
तो 2:4 में 1 लाख रुपए को बांट दो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में एक्स और वाई कितने के बिक रहे हैं वो पता कर लो। तो एक्स प्रोसेस करने के बाद बेचोगे तो 5 लाख का बिक जाएगा और वाई 10 लाख का बिकेगा। तो 1:2 के रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो। एनआरवी मेथड में आपको क्या करना होगा, एनआरवी मेथड के अंदर आपको पहले एनआरवी निकालना पड़ेगा। और एनआरवी कैसा आएगा, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो आपको जैसे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 5 लाख का बिक रहा था तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा भैया फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है। तो जैसे इसकी 2 लाख लग रही है, इसकी 3 लाख, तो 2 लाख 3 लाख इनकी आफ्टर वाली वैल्यू में से आपको पहले माइनस करने पड़ेंगे। तो 5 लाख में से 2 लाख माइनस हुए, 10 लाख में से 3 लाख माइनस हुए, अब इनका रेशो बना 3 लाख और 7 लाख। तो 3:7 में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो। इसके बाद था कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड कहता है कि आपको पहले एक काम करना होगा, पहले आपको बांटनी होगी वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट। ये तभी अप्लाई हो पाएगा जब क्वेश्चन वेरिएबल और फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट को अलग अलग दे, फिर आप बांटेंगे फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट। तो वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट कैसे बटेगी जी, वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट बटेगी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। तो जैसे एक्स और वाई की यूनिट हमने ले रखी है, एक्स वाई, तो एक्स की यूनिट 2000 और वाई की 8000, 2000 8000। तो पहले वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख है, इसका वेरिएबल हिस्सा क्वेश्चन आपको बताएगा। तो मान लीजिए 60000 वेरिएबल है, तो 60000 रुपये को 2:8 में बांट दो। तो 60000 रुपये बांटते हैं जी 2:8 में, तो 12000 48000 ये बट गए। अब जब ये खर्चा बट गया तो आपको करना होगा फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट। फिक्स ज्वाइंट के कॉस्ट के लिए कहा गया कि ये बटेगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको एक्स और वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। भाई वो कैसे निकलेगा, इनकी सेल वैल्यू लो, स्प्लिट ऑफ वैल्यू उठा रहा हूँ। तो स्प्लिट ऑफ में मैंने इनकी सेल ले ली थी 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख रुपये 4 लाख। अब इसमें से वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट निकाल चुके हो, वो माइनस करो जी, माइनस कर दी 12000 48000, कितने बचे 1.88 लाख, इसमें कितने बचे 3.52 लाख। अब इस रेशो में ये 60000 थी वेरिएबल, तो 40000 होगी फिक्स, 1 लाख रुपए लेकर चल रहे हैं। इस 40000 को इस रेशो में बांट दो। तो मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के अंदर आपको वेरिएबल बांटनी होगी यूनिट के बेसिस पर और फिक्स बांटनी होगी इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर। ग्रॉस कॉन्स्टेंट मार्जिन मेथड और रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड में क्या होगा, देखिए रिवर्स मेथड में जैसे दो प्रोडक्ट हैं, क्वेश्चन आपको इन दोनों की सेल बता देगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बता देगा, प्रॉफिट परसेंटेज बता देगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई है तो बता देगा। बताइए जो बची वो क्या हो गई, ज्वाइंट कॉस्ट। जो बची वो ज्वाइंट कॉस्ट, तो जैसे सेल दे दी इसकी 2 लाख 1 लाख, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 50000 50000, प्रॉफिट दे दिए 5000 10000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए 5000 5000। अब सारे माइनस करते चले जाइए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, तो रिवर्स चलते जाइए तो आप ज्वाइंट कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे 2 लाख में से माइनस करिए सारे, 2 लाख में 60000 गए 1:40, 1 लाख में से 50 60 65 चले गए 35, ये इनकी ज्वाइंट कॉस्ट हो जाएगी। कई बार क्या होगा, ये ज्वाइंट कॉस्ट मैच नहीं करेगी। तो जैसे क्वेश्चन ने कह दिया जी ज्वाइंट कॉस्ट, तो जैसे ये कितना बता रहे हैं 1,75,000, तो आपको पता चलेगा जी 1,75,000 नहीं, ज्वाइंट कॉस्ट तो 1,80,000 है। तो अगर मिसमैच हो जाए तो फिर आपको क्या करना होगा, अगर ये मिसमैच हो जाए तो आपको ये कहना होगा कि ये ज्वाइंट कॉस्ट एक्सपेक्टेड थी लेकिन खर्च हुई है इससे ज़्यादा। अब 1:80 को किस रेशो में बांटना है, अब ये रेशो बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट जो एक्चुअल है 180, उसे किस रेशो में बांट देंगे, इन 140:35, बांटने 1:80 है, ऐसा रेयर केस में होगा। तो पी वाई क्यू बन यही था, जो बुक में आप देखेंगे पी वाई क्यू बन यही था, उसमें बांट दिया। अब जो निकालना है 140:35 में 1:80 को बांटना कितना 144:36, ये इनकी ज्वाइंट कॉस्ट कर दी। एक और चीज ध्यान रखना है, अगर ज्वाइंट कॉस्ट बदली है
तो प्रॉफिट भी बदलेगा। मुझे बताइए अगर कॉस्ट 4000 रुपये ज़्यादा थी, इसका मतलब ये वाला प्रॉफिट 4000 रुपये कम था, ये कॉस्ट 1000 ज़्यादा थी तो ये प्रॉफिट भी 1000 रुपये कम था, ठीक है ना। इसके अलावा कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ये सारा डेटा दे के आना था, मान लेते हैं ज्वाइंट कॉस्ट 1.75 ही है, तो 1.40 और 35, तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है किसी एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन के किसी एक हिस्से का कोई एक डेटा गायब कर देगा, जैसे ये गायब कर दिया, कह दिया जी मुझे नहीं पता प्रॉफिट कितना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आप वाई का निकालिए, पहले वाई का निकाल के भाई 1,00,000 में से 50,000, 10,000, 5,000 के 35 हो गई, फिर क्वेश्चन आपको ज्वाइंट कॉस्ट बता के रखेगा पहले से कि ज्वाइंट कॉस्ट तो जी 1.75 है। अरे बड़ी सीधी सी बात हो गई, जब इसकी 35 है और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 1.75 है, तो 1.75 में से 35 हटाओ बचे कितने, वो किसके हो गए, वो दूसरे प्रोडक्ट के हो गए, तो एक प्रोडक्ट की निकाल लीजिए, दूसरे प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और बताइए अब जब इसके ये ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी तो इसका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। कई बार एग्जामिनर दो नहीं 3 प्रोडक्ट दे देता है, तो 2 प्रोडक्ट का तो सब कुछ दे देगा और एक का क्या करेगा, गायब कर देगा, तो उसकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो निकाल देंगे। ग्रॉस कॉन्स्टेंट मार्जिन मेथड में क्या होगा, ग्रॉस कॉन्स्टेंट मार्जिन मेथड में एग्जामिनर ऐसे ही आपको 2 देगा कि भाई ये 2 हैं एक्स और वाई, रिवर्स कॉस्ट में भी 2 हैं, इसके अंदर क्या करेगा इनका प्रॉफिट गायब कर देगा दोनों का। अब अगर दोनों का प्रॉफिट माइनस गायब कर दिया तो आपको कैसे निकालना होगा, आपको पहले दोनों की सेल जोड़ के लिखना होगा, दोनों की सेल कितनी 3,00,000, दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी 1,00,000, दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट कितनी 1.75 लाख, दोनों के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने 10,000। आपको दोनों के टोटल पता होंगे, आपने माइनस कर दिया, अब आपका दोनों का प्रॉफिट निकल आएगा, जरा करना माइनस, 3,00,000 में से 1,00,000 गए, 1.75 गए, 10 गए 15,000। अब वो कहेगा कि ये 15,000 है ग्रॉस कॉन्स्टेंट मार्जिन, कॉन्स्टेंट शब्द का मतलब यहां पर कि दोनों के लिए रेट सेम है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब जरा देखिए 15,000 का प्रॉफिट कमाया कितने पर, 3,00,000 पर, बताइए कितने परसेंट हो गया 5%। इसका मतलब अब हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है 5% है। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट जान गए हैं, लेकिन प्रॉफिट के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ा, वर्किंग नोट, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5,000 थे, टोटल 10,000, आगे जी टोटल 10,000, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,00,000, सेल ये प्रॉफिट नहीं पता था और ज्वाइंट कॉस्ट नहीं पता थी, अब प्रॉफिट पता चल गया 5% है, तो 2,00,000 का 5% 10,000, 1,00,000 का 5% 5,000, इसे माइनस करिए ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी, माइनस करके देखिए 2,00,000 में से 65 चले गए 135, और 2,00,000 रुपये में से 1,00,000 रुपये में से 60 चले गए 40,000, बताइए ज्वाइंट कॉस्ट कितनी हो गई 1.75, वही 1.75 तो ज्वाइंट कॉस्ट है। यही सारे मेथड हैं, यही सारे क्वेश्चन हैं ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लास्ट कॉस्ट रिकॉर्ड बचा है उसको भी निपटाते हैं, फिर सबको इकट्ठी नमस्ते करवा दूंगा। कई बच्चे जो है चिंता कर रहे हैं कि सर आज नमस्ते नहीं करवा रहे हैं, अरे आज तो मैं तुम लोगों से ही नमस्ते करने बैठा हूँ। अच्छा देखिएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इससे आसान चैप्टर नहीं है अगर समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आई है क्लास मिस हो जाए इसकी तो इसमें फिर दिमाग बैंड बज जाती है, इतना सिंप्लीफाइड चैप्टर है। देखते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दो तरीके के सिस्टम चलेंगे, एक इंटीग्रेटेड और एक नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड ये कहता है कि आप सारी एंट्री पास कर सकते हो। नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर क्या था, कॉस्ट और अकाउंट एक दूसरे से लिंक नहीं थे तो दोनों की बुक्स अलग थी, तो कॉस्टिंग जनरल एंट्री करने के लिए जनरल लेजर का इस्तेमाल करता था, सेल्फ बैलेंसिंग के जैसा। तो खैर इंटीग्रेटेड के अंदर क्या है, अगर मैं एंट्री की बात करता जाऊं और साथ में लेजर बनाता जाऊं, SLC स्टोर लेजर कंट्रोल,
स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की अगर हम बात करें तो बताइए टू में क्या जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद में कोई भी परचेज करोगे तो वो परचेज आ जाएगी, कहीं और से आ रहे हैं जैसे फैक्ट्री ने वापस कर दिया तो WIP से वापस आ जाएगा। जब आप स्टोर से बाहर निकालोगे अब तो भाई परचेज रिटर्न। अब आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो WIP अकाउंट में, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो प्रोडक्शन ओवरहेड में, नुकसान हो गया एबनॉर्मल तो कॉस्टिंग PL में और बाकी बैलेंस CD। ठीक है, वेजेज कंट्रोल अकाउंट का बताइए, WC अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट, नाम पूरे लिखने हैं एग्जाम में हर हाल में जैसे क्लास में लिखवाए गए हैं। टू में उसकी कैश पेमेंट, कोई आउटस्टैंडिंग है जोड़ दो, प्रीपेड है माइनस कर दो। अगर डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, WIP अकाउंट में, और अगर इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में। और एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया, एबनॉर्मल ओवर टाइम हो गया तो कॉस्टिंग PL में, फिर हमारे पास आ जाता था WIP अकाउंट। WIP अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के आखिर कितना सामान है, उसके बाद में WIP में कुछ SLC से आएगा, कुछ WC से आएगा, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड से आएगा। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने बीच में स्किप कर दिया, वो भी बताता हूँ अभी। इसके बाद में अगर मटेरियल वापस किया है तो SLC को वापस कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। जो सामान बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिनिश गुड्स में, कि फैक्ट्री से सामान बन गया, और जो रह जाएगा वो रह जाएगा बैलेंस CD। ये क्लोजिंग WIP है। फैक्ट्री ओवरहेड किस तरीके से बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट के अंदर टू में आप खर्चे लिख लीजिए, रेंट जो दिया फैक्ट्री का, कुछ भी दिया, वो सारा का सारा ये कैश में भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। इसके बाद में जो इनडायरेक्ट मटेरियल है SLC से वो आ जाएगा, और W और वेजेज कंट्रोल से इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगी, ये सारा का सारा आ जाएगा। फिर रिकवरी के बेसिस पर WIP अकाउंट में सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। WIP अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद रिकवर्ड आ गया यहाँ पर। रिकवर्ड के बाद में आप लोगों को अंडर रिकवरी का क्या ट्रीटमेंट करना है ये आपको देखना होगा। आप कॉस्टिंग PL में ले जा सकते हैं, आप बैलेंस CD कर सकते हैं, आप दोनों चीजें कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, PL में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री रेट वाला कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने कंसीडर नहीं किया था। इसके बाद में आते हैं एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड आपके टू में खर्च होंगे टू कैश बैंक जो भी। अब अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएगा, और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो फिनिश गुड्स अकाउंट में नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट के अंदर अगर बात की जाए तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद में जो भी WIP अकाउंट से सामान आया वो अगर एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो यहां पर, और यहां से सामान कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, और बाई बैलेंस CD ये क्लोजिंग स्टॉक को दिखा देगा। इसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर कैश में आ जाएगा, और बताइए यहां से बैलेंस कहां चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। इसके बाद में हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लेजर में बताइए क्या क्या जाएगा, जो भी फिनिश गुड से सामान बिकने के लिए आया वो सारा का सारा, जो सामान सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आया वो सारा का सारा। इसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसे यहां से बेचेंगे तो टू में प्रॉफिट नजर आएगा, वो कॉस्टिंग PL में ले जाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसे कॉस्टिंग PL में ले जाओ भाई से और वहां से बेच के दिखा दो। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहीं से सेल दिखाकर टू कॉस्टिंग PL, जो भी प्रॉफिट हुआ कॉस्टिंग PL में आ गया। अब कॉस्टिंग PL अकाउंट के अंदर आपके पास ये प्रॉफिट आ चुका होगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल से, वो प्रॉफिट आ जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके एबनॉर्मल थे, एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल लेबर का, वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। अंडर रिकवरी अगर आपने ट्रांसफर करी है तो प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा, कोई एबनॉर्मल गेन हो गया तो बाई साइड में आ जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वही है प्रॉफिट।
और आपके इंटीग्रेटेड लेजर्स खत्म हो जाते हैं। कई बार वो ट्रायल बैलेंस ही मांग लेता है, तो वो ट्रायल बैलेंस ही हम लोग बना देते हैं। इसके अलावा अगर यही क्वेश्चन हम नॉन इंटीग्रेटेड से उठा लें, तो किसी भी रियल अकाउंट की जनरल एंट्री पास नहीं हो सकती, किसी भी पर्सनल अकाउंट की जनरल एंट्री पास नहीं हो सकती, सिर्फ किसकी हो सकती है, नॉमिनल की। और रियल और पर्सनल जहां भी आएंगे वहां पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा। तो फर्क क्या पड़ना चालू हो जाएगा, फर्क ये पड़ेगा परचेज की जगह सीएलसी, परचेज रिटर्न की जगह सीएलसी। कोई कॉस्टिंग पीएल को भी सीएलसी बना सकता है, क्योंकि कॉस्टिंग पीएल का बैलेंस भी लास्ट में फाइनल बैलेंस कैपिटल में जुड़ेगा, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, वो भी हटाया जा सकता है। डब्ल्यूसी में जो कैश दिया वो रियल है, गया सीएलसी में, इसके बाद में डब्ल्यूआईपी से कुछ नहीं जाता। फैक्ट्री ओवरहेड में कैश दिया सीएलसी में चला जाएगा, एडमिन ओवरहेड में कैश दिया सीएलसी में, फिनिश गुड्स में कुछ नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीएलसी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में बाई सेल की जगह सीएलसी कर सकते हैं, और कॉस्टिंग पीएल में जो फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा वो भी सीएलसी में जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको सीएलसी का लेजर भी बनाना पड़ेगा। सीएलसी का बैलेंस क्रेडिट होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जितना मटेरियल खरीदा वो आ जाएगा, जितनी लेबर दी वो आ जाएगी, जितने फैक्ट्री ओवरहेड दिए वो आ जाएंगे, जितने भी एडमिन ओवरहेड दिए वो आ जाएंगे, जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिए वो आ जाएंगे, जो भी नेट प्रॉफिट कमाया वो आ जाएगा, और टू में आ जाएगा बैलेंस सीडी। अगर कोई रॉ मटेरियल वापस है तो वो भी टू साइड में आ जाएगा और इसका लेजर खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है ना, बेटर रहेगा। सीधे एक आध पास्ट ईयर उठाते हैं, सीएलसी है या नॉर्मल है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन उठाएंगे इंटीग्रेटेड का और एक क्वेश्चन उठाएंगे नॉन इंटीग्रेटेड का। तो एक तो ये फेमस क्वेश्चन है ही हमारे पास, चार बार आ चुका है, PYQ 9। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड स्टोर, यानी मटेरियल की बात कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस इतना, परचेज इतना, WIP से वापस आया, ट्रांसफर फ्रॉम WIP यानी रिटर्न इतना, इशू टू WIP इतना। आप चाहो तो इसका नेट कर सकते हो सीधे कि भैया WIP में भेजा 288, वहां से 144 वापस आ गई, तो सीधे 144 दिखा सकते हो। इशू फॉर रिपेयर इनडायरेक्ट में चला जाएगा। डेफिशिएंसी इन स्टॉक एबनॉर्मल मानते हो तो कॉस्टिंग पीएल, नॉर्मल मानते हो तो फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमारे पास आ गया स्टोर लेजर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सीएलसी परचेज जो किया बाई साइड में 288 का भेजा, टू साइड में रिटर्न आ गया। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो इनडायरेक्ट मटेरियल था रिपेयर के लिए भेजा था, जो डेफिशिएंसी फाउंड है, देखे ब्रैकेट में क्या लिखा है, डेफिशिएंसी एज्यूम नॉर्मल, एबनॉर्मल मानते तो कॉस्टिंग पीएल, बैलेंस सीडी आ गया। इसके बाद में वेजेज की अगर बात करें तो ये देखिए वेजेज पेड कितनी है, 1,26,000। क्वेश्चन ने कहा है WIP पर डायरेक्ट कितनी लगी, 1,8, बताइए 1,26 में से 1,8 लग गई डायरेक्ट, बाकी इनडायरेक्ट। तो वेजेज कंट्रोल की बात करूं तो 2 CLC 1,26, बताइए भाई डायरेक्ट WIP में चली गई कितना, 1.08 लाख, और बताइए जो इनडायरेक्ट है वो ओवरहेड में कितने बचे, 16 लाख, नहीं 18,000.18 लाख हो गया, 18,000 हो गया। तो ये हो गया वेजेज कंट्रोल अकाउंट, इन्होंने वेजेज कंट्रोल अकाउंट मांगा नहीं है तो यहां पर बना हुआ भी नहीं है। अच्छा बन गया, नीचे वर्किंग नोट में बना दिया होगा। हाँ तो 2 CLC बाई वेजेज WIP 108 और 18,000 ओवरहेड। इसके बाद में ओवरहेड अकाउंट इनकर कितने हुए, 4,50, तो 2 CLC। SLC से कितना आया था, ये दोनों 36 भी और 10,800 भी। वेजेज कंट्रोल से कितना आया, 18,000, जोड़ो जरा सारा, ये रहा ओवरहेड अकाउंट, 2 CLC 4.5 लाख, और मटेरियल से कितना आया, 36 और 10, 46,800,
डब्ल्यू सी से कितना आया? 18,000, सारा जोड़ लो, 450 पे 36, 10, 800, 18, 514, 800. डब्ल्यू आई पी अकाउंट में रिकवर कितना हुआ है? 4,32,000, माइनस कर दो 432, अंडर रिकवरी आ गई, ठीक है ना? जितनी अंडर रिकवरी है या तो उसे कॉस्टिंग पीएल में ले जाओ या फिर उसे बैलेंस सीडी कर दो, आपके हैंड पे होता है, ठीक है ना? और इसके बाद में हमारे पास डब्ल्यू आई पी अकाउंट, उसमें कुछ करना ही नहीं है, डब्ल्यू आई पी अकाउंट तो पूरा दिया होता है, ओपनिंग इतना, एस एल सी से इतना, डब्ल्यू सी से इतना, ओवरहेड से इतना, स्टोर को जो वापस किया वो दे दिया, कॉस्टिंग पी एल अकाउंट जो बेचना है, यहाँ सीधे डब्ल्यू आई पी से बेच रहे थे, जो चार बार रिपीट हुआ है डब्ल्यू आई पी से बेचते थे, इन्होंने बोला हुआ है कि हम क्या करते हैं 15% प्रॉफिट पर डब्ल्यू आई पी से ही बेच देते हैं, तो कितनी कॉस्ट बैठी? 720, कितने में बेच देंगे 720 वाला? 720 वाला 15% प्रॉफिट जोड़कर बेच देंगे 828 में, नुकसान कौन सा हुआ था? ओवरहेड के अंडर रिकवरी हुई थी और 25,200 का प्रॉफिट हुआ, जो कहाँ भेज दिया? सी एल सी अकाउंट में भेज दिया। जितने लेजर मांगेगा एग्जाम में उतने ही लेजर आपको बनाने होंगे। अब मुझे लगता है कि आप इन चैप्टर्स को उठा सकते हैं, अब देखे हुए हो गए तो आप लोग उठा सकते हैं, बेटर है, बस इतना ही है, खत्म, नमस्ते कर लेते हैं। तो नमस्ते हम किसको कर लेते हैं? पूरी कॉस्टिंग को कर लेते हैं। ओके जी, पूरी कॉस्टिंग हमारे एग्जाम में आ जाना, मतलब जितनी आ जाए हमसे बन जाना। ओम कॉस्टिंग आए स्वाहा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।